हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है मेरे ये सीमेंट पॉट, जो मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किए थे कि मैंने ये किस तरीके से बनाए हैं और किस तरीके से पेंट किए हैं। इन पॉट्स को बनाने के बाद, यूज़ करने के बाद मुझे समझ आया कि मैंने एक मिस्टेक की थी। वो मिस्टेक आप ना करें, क्योंकि वो वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तकरीबन 50 अरब लोगों ने उसको देखा है और अप्रिशिएट किया है। तो उसमें मैंने जो मिस्टेक किया है वो आप ना करें। इसके लिए मैं ये वीडियो भी, जस्ट मैंने कुछ पॉट्स बनाए थे, देखिए एक ये बनाया है बॉन्साई का, एक ये बनाया है सेम उसी टेक्निक से। तो आज के वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो मिस्टेक मैंने की है वो आप ना करें, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं पॉट बनाने में तो लगता है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छे से रहे, काफ़ी टाइम तक ये हमारे साथ में चलें। क्योंकि सीमेंटेड है तो वैसे तो कुछ ख़राब नहीं होता, लेकिन इनका जो ये पेंट जो हम लोगों ने किया हुआ है ये थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। तो उसी को जो मिस्टेक किया है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या मिस्टेक है और वो ना हो, इसके लिए मैं जस्ट आपको वो सॉल्यूशन बताऊंगी जो करना है। एक ये पॉट बनाया है मैंने, मिस्टेक जो किया था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्या किया था मैंने। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि मैंने ये एक पीपल के लिए, बॉन्साई के लिए बनाया हुआ है। हालांकि इसको निकलवा के अब मैं पीपल का बॉन्साई नहीं बना रही हूँ, इसको मैं कहीं निकलवा के, क्योंकि ये यूज ट्री बनेगा, मैं कहीं लगवा दूँगी। लेकिन जो मिस्टेक मैंने किया था, देखिए अंदर इसके मैंने प्राइमर नहीं किया था वाटर प्रूफिंग के लिए, तो इसके पानी की वजह से ये धीरे धीरे करके, देखिए ये सारा जो है मेरा ख़राब हो गया। तो ये इस तरीके से ख़राब ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं जस्ट आपको बनाना भी बता रही हूँ इस वीडियो में कि मैं कैसे बनाती हूँ अपने पॉट्स। बहुत आसान है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही चीप रेट में पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते। आई थिंक 10 kg सीमेंट 100 rupees में आपको मिल जाएगा, और उससे आप बना के देखिएगा आपके बहुत सारे पॉट्स जो हैं बन जाएंगे। तो एक तो मैं आपको ये पॉट्स बनाना दिखा रही हूँ, और एक मैं दिखाने वाली हूँ आपको कि ये मैंने इस ये ऊपर जो मैंने इसके ऊपर ये कवर बनाया है ये किस तरीके से बनाया। बहुत खूबसूरत लगते हैं ये वाले पॉट्स बना के। बीच में इसमें कोई भी बॉन्साई हम लगा सकते हैं, क्योंकि बॉन्साई नेचुरली काफ़ी टाइम तक चलती हैं, तो एक पॉट में लगा कर हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो एक तो मैंने इस तरीके से बनाया है, दूसरा मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बना रही हूँ मैं। देखिए, एक ये पॉट मैंने बनाया हुआ है। तो पहले मैं आपको पॉट बनाना बता देती हूँ कि पॉट बनाना कैसे है। हमने इसके लिए हमें चाहिए सीमेंट, बजरी और पानी, और इस तरीके के ये लास्ट टाइम का ही मेरा मोल्ड है जो मैंने यूज़ किया था। ये मैंने 10 rupees का ख़रीदा था, और एक ये लिया है इसके अंदर रखने के लिए मोल्ड। ही हमें दो चीज़ों की ज़रूरत ये होगी, और सीमेंट, बजरी। बजरी होती है रिवर सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे मिल जाती है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल, आप किसी भी तरीके का ऑयल ले सकते हैं मोल्ड में लगाने के लिए। तो पहले मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ जो बनाना है हमें। हमने लेना है किसी भी तरीके का, नापने के लिए आपको, मेज़र करने के लिए कोई भी आप बॉक्स टाइप का कुछ ले लीजिएगा। क्योंकि मैं एक ही भर के सीमेंट डाल रही हूँ इसमें, ये मैंने 1.5 लिया है, और 3 parts इसके अंदर में बजरी, रिवर्स हैंड जिसे कहते हैं। देखिए, इस तरीके से होती है बजरी, ये नदियों में से निकलती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको इजीली मिल जाएगा। इसको मैंने छान के फाइन उसमें कर लिया है, 3 parts इसके अंदर में ये डाल रही हूँ। सबसे पहले तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें बहुत धीरे से पानी डालते डालते हुए इसको मिक्स करूँगी। पानी एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि पानी अगर एक साथ डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमें इसकी जो इसका लिक्विड बनाना है वो ऐसे बनाना है कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो। तो धीरे धीरे करके हम इसको मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है,
जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्लव्स पहन लीजिएगा क्योंकि कई बार बिना ग्लव्स के जब हम करते हैं तो सीमेंट से हाथ जो है कट जाते हैं। मैंने अभी ये परसों बनाया था तो मेरे हाथ में हल्का सा कट लग गया, तो आप सीमेंट ये ग्लव्स पहन लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसका ये पेस्ट टाइप में बना लिया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको, इस तरीके की इसकी वो लिक्विडिटी रखनी है। और उसके बाद में हमने जो ये इसका मोड लिया है इसमें सबसे पहले हम वेजिटेबल ऑयल लगा देंगे। वेजिटेबल ऑयल इसलिए लगाए, वेजिटेबल यानी कोई सा भी आप ऑयल लगा सकते हैं, वो इसलिए लगाया जाता है जिससे कि सीमेंट का जो बना रहे हैं पॉट वो ईजिली इसमें से बाहर हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस इसको हल्का सा चिकना कर देना। ये कर दिया, अब इसके अंदर जो है, आपके पास इस तरीके का कुछ नहीं है तो आप प्लास्टिक का पॉट लाइक इस तरीके का ले सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये मैंने इसमें लिया था तो देखिए ये बहुत ज़्यादा चौड़ा बना है, देख रहे होंगे आप, इसका जो एजेस है बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। मुझे इतना ब्रॉड नहीं चाहिए तो अभी मैं ये नहीं ले रही हूँ। इससे यूज़ करके जो मैं बनाती हूँ तो वो मेरा ये परफेक्ट साइज़ आता है तो मैं ये ले रही हूँ। इसमें इसमें मैंने पॉलीथीन्स लगा के टेप चिपका लिया है। आपके पास अगर प्लास्टिक का है तो आप वो ले सकते हैं और कोई पॉलीथीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर भी आप ऑयल लगाइए और उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक का कैप लिया है, मैं होल्ड करने के लिए यही लेती हूँ। ये इस तरीके से इसमें लगाया, देखिए इसके सेंटर में हमने ये लगा दिया और इसके बाद में मैं ये सारा का पेस्ट इसमें डाल दूंगी धीरे से। इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, सिर्फ हाफ भरना है क्योंकि हम जब इसके अंदर दूसरा वाला पॉट डालेंगे तो ये बाहर निकल के गिरने लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको फिल कर लिया और ये जो दूसरा हमने लिया है पॉट, याद ये रखना है पॉट हमेशा बाहर की तरफ निकलता हुआ होना चाहिए। अगर नीचे का ब्रॉड होगा ऊपर का शॉर्ट होगा तो वो पॉट जो हम ये इसको निकालेंगे बाहर नहीं निकलेगा। तो बस ये याद रखिएगा, नीचे से शॉर्ट हो ऊपर से ब्रॉड हो। और बस धीरे से इसके सेंटर में हम इसको पुश कर देंगे और पुश करने तक नीचे वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का कैप है। देखिए ये कैप है, इसमें वहाँ तक ये जाकर रुक गया है। देखिए ये मैंने इसके अंदर अच्छे से पुट कर दिया है। अब इसके अंदर हमें कुछ हैवी चीज़ डालनी होगी जिससे कि ये वजन की वजह से इसमें रुका रहे। तो मैंने ये कुछ पेबल्स डाल दिए हैं, ये इसके ऊपर अच्छे से रुका रहेगा और आफ्टर 24 आवर्स इसको हमें रिमूव करना है। रिमूव करते टाइम बस धीरे से पहले हम इसको निकालेंगे, इजीली निकल आता है क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है। नहीं भी होगा तो प्लास्टिक का मोल्ड यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देन आफ्टर उसके बाद हम इसको धीरे से उल्टा करेंगे, उल्टा करने के बाद जैसे ही हल्के से हाथ से इसको पुश करेंगे ये बाहर निकल आएगा। बाहर निकलने के बाद में इसको हमें 24 आवर्स तक पानी में डिप करके रखना है क्योंकि सीमेंट पर पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपका ये धीरे धीरे करके चटक जाएगा। तो आफ्टर 24 आवर्स इसको बाहर निकाल के हम सुखाएंगे एंड सुखाने के बाद के आगे का मैं प्रोसीजर आपको बता देती हूँ। और इसको लगाने के बाद में आप धीरे धीरे करके इसको चारों तरफ से ऐसे हल्के हाथ से थपथपा देंगे तो जिससे इसके अंदर जितने भी एयर बबल्स होंगे वो सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे तो आपके पॉट पर जो होल्स हो जाते हैं वो नहीं बनेंगे।
ये मैंने साइड में रख दिया है। अब मैं जो बना रही हूँ आपके सामने वो मैं इस तरीके का बता रही हूँ आपको। ये तो मैं बना चुकी हूँ पहले, अब इसको मैंने ये कल ही बनाया था, तो इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इसमें मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ कि इसको रखकर मैं बीच में इसको चारों तरफ इसको कवर करूँगी और बीच में सिर्फ होल बनाऊँगी जिसकी वजह से जहाँ मुझे प्लांट लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर सैंड डाल दूँगी, रिवर सैंड। इसको मैंने इस तरह से इसमें रिवर सैंड भर लिया है। सिर्फ उतना जगह मैंने छोड़ा है जितनी जगह पर मुझे इसका ऊपर का लेयर बनाना है। अब मैं बीच में एक खाली मेरा मोल्ड है वो मैं रख रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना जगह चाहिए प्लांट लगाने के लिए। और बाकी जगह कवर करके मैं बता रही हूँ आपको कि मैं किस तरीके से इसमें यूज़ करूँगी। अब सेम वो सीमेंट जो हम लोगों ने बोला था, वो सीमेंट जो है अब इसके अंदर हम साइड में सारा डाल देंगे। आप इस तरीके से थोड़ी सी क्रिएटिविटी से आप बहुत सारे सुंदर सुंदर पॉट्स बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी कॉस्टिंग बहुत कम पड़ती है। आप अपने मनचाहे शेप में बना सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद है, और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी होती है और देखने में सुंदर भी लगते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं बहुत मार्केट से। अच्छे से करके हम इसको इसी लेवल पे, जो हमारा ये सरफेस है इसी के लेवल पे इसको हम अच्छे से दबा के फिल कर देंगे। और जब ये सूख जाएगा आफ्टर 24 आवर्स, बीच वाले मोल्ड को हम निकाल लेंगे और बाकी का जो अंदर का रिवर सैंड है वो भी निकल जाएगा और यहाँ पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाएगा। तो आपको मैं इसका अपडेट दे दूंगी कि किस तरीके का बना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अपना पेंट वाला डालने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से अलग अलग तरीके से इन सबको पेंट करूँगी। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, सॉरी, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के मैं अपने सिंपल सिंपल आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अगर मेरा चैनल पसंद आए, मेरे आइडियाज़ पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने पॉट्स जो हैं बहुत ही कम कॉस्ट में आप बना सकते हैं। आपको गिफ्ट पर्पस से चाहिए, खुद के लिए चाहिए, आप जैसे चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे वो इसी तरीके के हैं। मैं 2-3 पॉट्स के ही बना रही हूँ, क्योंकि इस टाइम अच्छी धूप निकलने लगी है तो पॉट्स को सूखने में आसानी रहती है। अभी तक बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से मैं पॉट्स अपने बना नहीं पा रही थी। और अगर आपका घर ऐसा है कि जिस पर सीमेंट के आप पॉट्स अच्छे से रख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती सीमेंट, क्योंकि टेरेस मेरा बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। तो अगर आपका ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप इस तरीके से बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स अपने आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको कम्प्लीट कर दिया। प्लेटफॉर्म बनने के बाद में मैं आपको इसको शो करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से मैं इनको पेंट करने वाली हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने पॉट्स बना सकते हैं। एंड अगेन थैंक्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। आपको इस तरीके से सिंपल सिंपल आइडियाज़ मैं अपने साथ देती रहूँगी। और जो लास्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मिस्टेक मैंने की थी, इनके अंदर प्राइमर नहीं किया था, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि आपने जो वाटरप्रूफ सॉल्यूशन आता है, हमें हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, वो ज़रूर कर लेना है अंदर, जिसकी वजह से बाहर का जो हमारा बॉल है वो ख़राब नहीं होगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो हार्डवेयर शॉप पे ये फेविकॉल मिलते हैं, इनको पानी के अंदर डाइल्यूट करके उससे भी हम एक लेयर इसमें कर सकते हैं, तो हमारे जो पॉट्स हैं इनकी लाइफ जो है बढ़ जाएगी। नहीं तो एज ए कंटेनर हम इनको शोपीस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पॉट्स बनाइए, अंदर प्राइमर ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि बाहर का वॉल ख़राब ना हो।
नेक्स्ट वीडियो इनको पेंट करके दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू। इनके पेंट का जो वीडियो का है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप ये मैंने किस तरीके से पेंट किया है वो आप देख सकते हैं। और इनको जो मैं पेंट करके आपको दिखाऊंगी वो मैं नया वीडियो बना के दिखाऊंगी।